दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। दोस्तों देखिए पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है, बहुत ही तेज दर्द कर रहा है, जिसके वजह से बहुत परेशान बाबूजी भी आए हुए हैं। बहुत तेजी से दर्द कर रहा है, बहुत रात से ही दर्द कर रहा है, दवा भी खिला है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब है हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सुबह का गुड मॉर्निंग आप लोगों को, सुबह हो गया है और अभी तक सोई है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सर पे दर्द है, इसके वजह से अभी तक सोई है, सब दर्द कर रहा है। और छन यहाँ पे कुछ छन ए छन कुछ बोलो बेटा, कस के बोलो नमस्ते परम कृपा जी, छोटी छोटी मेरी मम्मी के साथ। और अरे बाबू बाप, सॉरी मां, चोट लगा दी ना मम्मी को। अरे मम्मी क्या सोच के रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी एक सर फोड़ दी है, क्या कर रही है, बर्फ से सेक रही है, मैं कपार फोड़ दिया अगर मैं बर्फ से सेक अपने पर यहाँ पे देखिए सभी लोग सोए हुए हैं अभी। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अनार छील रहे हैं जूस बनाने के लिए, जूस के लिए अनार छीला जा रहा है आप लोग देख। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रात हो गया है, और यहाँ पे देखिए रात को सरोज थोड़ा सा इनका हाथ और पूरा बदन दर्द कर रहा है तो दबा रही है, और ये कपार भी तेल तेल रखा है, देख रहे हैं मुझे भूख लगा तो मैं आम खाई, बाल में देखिए दर्द हो रहा है ना कपार, मुझे भूख लगा तो मैं आम। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अभी बैठ सो के उठी है, तो यहाँ पे देखिए आराध्या क्या कर रही है, और यहाँ पे है सिया, क्या हुआ जी, रात को भी दर्द कर रहा था, पेट बहुत तेज दर्द कर रहा था दोस्तों, और बहुत ही दर्द कर रहा था, बुखार भी बहुत तेज था, पेट भी दर्द कर रहा था, समझ में नहीं आया क्या करें। दर्द अलग होता है ना, गड़ गड़ रहा है, चुप 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 कट रहा है, तुम तो से कट रहा है। यहाँ देखिए सरोज रोटी बना रही है, मम्मी काटा नहीं है ना, सरोज रोटी बना रही है, माँ की तबीयत खराब है, दर्द हो रात से पेट में ज्यादा, तो दवा वा खाई थी रात में, खाना हल्का सा खाई थी, जो दो तीन बार खाए लगा दर्द होने, तो कहीं के बाद में खाएंगे, तो खाना भी नहीं खाया, अब इतने टाइम देखिए खाते थे हैं कि नहीं, इसके दर्द हो रहा है, जब भी पेट में कुछ जा रहा है तो पेट दर्द करने लग रहा है, मतलब अभी खाना ना नहीं पच रहा।
और इसका प्रणाम करते हैं, वो जितने में जल्दी बेटी को चुके वो लग रहा है। और ये रिया नमस्ते प्रणाम गुप्ते लोगों जी की बड़ी बेटी को चुके को लाते सब। दोनों गुस्सा है, दोनों झगड़ा की थी, दोनों आपस में गुस्सा है, ये उससे नहीं बोल रही है, इससे नहीं बोल रही है, और ये किससे नहीं बोल रही है। दोस्तों बहुत टेंशन है हमको, बहुत टेंशन है हमको, टेंशन इसी बात का है ना, ये लोग झगड़ा कर रही हैं, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, एक तो मेरा पता नहीं क्यों मुंह सूज रहा है, पैर सूज रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सूजन बढ़ते जा रहा है, पेट में दर्द बढ़ते जा रहा है, दवा भी दी है डॉक्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे दवा दी है क्या की है, आज कॉल करिए उनको आप। ठीक। और दोस्तों सब बात का है कि बात है, एक बात का बहुत टेंशन हमको खाया जा रहा है, फिर हमको लोग कहेंगे इसको बेटा नहीं है, ये नहीं है, मतलब जैसे एक बार हुआ था ना तो बहुत लोग बोले थे कि तू कभी बेटे का मुँह नहीं देखेगी, ऐसे वैसे वही सब दिमाग एकदम नहीं काम कर रहा, करे तो क्या करे, उससे कहने से क्यों, हमारे बीच सब कहेंगे लोग को मौका मिल गया ना, अरे मौका का है ना, बेटा बेटी किसी से कम नहीं है, हमें उसका टेंशन नहीं था, यही सब ना, जैसे कि क्या होता है ना, कोई भी वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, लेकिन समझ रहे ना, और ये सब रक्षाबंधन के दिन ही केवल डिस्टर्ब कर होता है, याद आता है, जैसे नहीं होता है, सब कोई सोचता है हरदम के लिए, अब सबके लिए यही कोई होता है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान है, सब सही हो जाएगा। तो दोस्तों दर्द खोख की वजह से बहुत परेशान है, अभी चाय भी नहीं देखी पिए, कुछ नाश्ता भी नहीं किए हैं, आ इधर बाबूजी आए हुए हमारे, बाबूजी वहाँ पे घर खेत में काम करवा रहे थे, अब इनके वजह से काम भी रुका हुआ है, तो सब डिस्टर्ब है, घर घर पूरा सब कोई डिस्टर्ब है, हमको दर्द सुन करके घर आना पड़ा, खेत में काम छोड़ करके हम आ रहे हैं, वहाँ आदमी को इधर उधर करके आ गए, अब देख रहे हैं दर्द अगर सख्त हो रहा तो हो रहा है, इसको लेकर के कहीं चलना है, चाहे जहाँ चलना हो थोड़ा दर्द का दवा दे दीजिए, और देने के बाद देखिए अगर शांत होती है तो होती है, नहीं तो लेकर चला जाए, बहुत तेज दिक्कत हो रहा है। दोस्तों देखिए पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है, बहुत ही तेज दर्द कर रहा है, जिसके वजह से बहुत परेशान बाबूजी भी आए हुए हैं, बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा है, बहुत रात से ही दर्द कर रहा है, दवा भी खिला है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब है हम लोग। दोस्तों पता नहीं पेट में बहुत ज़्यादा क्यों दर्द कर रहा है, चुप चुप टाइप में दर्द कर रहा है, और डॉक्टर को दिखाएं तो दवा ववा दिए, सब चीज़ दिए, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, फिर अब लग रहा है कि बोतल लग, बोले कि देख लीजिए अगर नहीं आराम होता है तो बोतल लग जाएगा, अभी देख लेते हैं, एक आधे घंटे तक अगर नहीं लगता है तो फिर बोतल लगाएंगे वो।